रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में शुक्रवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में एंटी रोमियो के प्रभारियों के साथ गोष्ठी की गई। इस दौरान एंटी रोमियो के प्रभारियों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही गोष्ठी के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि समस्त थाने के एंटी रोमियो प्रभारी के साथ आज मीटिंग की गई है। साथ ही उन्हें कोविड-19 वैश्विक महामारी के जारी गाइडलाइन को भी अनुपालन कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने आम जनमानस से कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने, सामाजिक दूरी बनाकर रहने, मास्क लगाने और बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। इस दौरान आरआई लाइन उमेश दुबे सहित सभी थाने की एंटी रोमियो प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, कोचिंग सेंटर और स्कूल बंद हैं, इसलिए आपको लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी समझ से एंटी रोमियो को ये बताया जाए कि आने की मदद करें लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन और मास्क लगाने वाले और ना लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़्यादा करें। और क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा काम तो स्कूल कॉलेज की कोचिंग संस्थानों की उनके ड्राइवर वाहन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं नहीं लगे हैं भूखा हाँ भूखा वाला इसको जरूर देखें। अभी आज की डेट में धीरे धीरे लोग परेशान हो गए हैं 6 महीने के लॉकडाउन से। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये 6वां महीना चल रहा है और मुझे लगता है 22 अगस्त को 6 महीने पूरे हो जाएंगे लॉकडाउन। 22 मार्च को गोरखपुर में लॉकडाउन चालू हुआ था, 22, 23, 24 था, 25 से पूरे देश व्यापी हो गया था। तो 22 अगस्त को 6 महीने हो जाएंगे, लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को घूमने नहीं मिल रहा है, पिक्चर देखने नहीं जाने मिल रहा है लोग, इसलिए कहीं ना कहीं जो है लोग घूमने की कोशिश करते हैं। तो आपको नए इलाके चिन्हित करने पड़ेंगे जहाँ छेड़छाड़ हो रही है, जहाँ छेड़छाड़ हो सकती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊँगा कि पार्क में हम नहीं जाने दे रहे हैं, पार्क में लोग कम जा रहे हैं, तो जब कम जाएंगे तो भी मुश्किल है, सन्नाटा होता है। ये हम लोग ऐसी सड़क पे जाएंगे जहाँ सन्नाटा होता है, सोचेंगे यहाँ पुलिस नहीं आती, यही चक्कर मारेंगे जाके, उन्हीं के पीछे पीछे अपराधिक तत्व और ये रोमियो टैंक लोग भी पहुँच जाते हैं, बंदे के किनारे पहुँच जाते हैं लोग, सुनसान सड़क पर टहलने निकल जाते हैं। लोगों में टेंडेंसी है घर में कूद गए रहते रहते, बीवी बच्चों के साथ रहते रहते, या लड़के लड़कियाँ भी जो कॉलेज जाने में थोड़ा सा सहज हो जाता था वो भी अपने दिन भर सुबह शाम माँ बाप की डांट खा रहा है और घर में बैठा हुआ है, निकलने नहीं दे रहे मम्मी पापा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है सभी एंटी रोमियोस को, अपने यहाँ कुछ नए एरिया चिन्हित कर लें कि लॉकडाउन में डेवलप हुए हैं चोरी छुपे कुछ इलाके, कुछ सड़कें जहाँ पर लोग जमा होते हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। नंबर दो, हुक्का बार्स और रेस्टोरेंट, टेक अवे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रेस्टोरेंट बैठा के नहीं खुला सकते, सामान पैक दे दिया आप ले जाइए घर पे खाइए, ये पॉलिसी है। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं कि वो डिस्पोजेबल में दे देते हैं, आपकी दुकान से लेता है वहीं साइड में खड़े होके खा लेता है, तो इसको भी एक हर तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। हालांकि नियमता है कि उसको घर ले जाना है, घर खाइए और डिस्पोज करिए, क्यों एक दूसरे का जूठा बार बार खाने से ये कोरोना की जो छींटे हैं उसी से कोरोना फैल रहा है। स्टील की थाली वही में खिला रहे, फिर धोके दूसरे को खिला रहे, वही धोके दूसरे को खिला रहे, उसमें प्रचार प्रसार कोरोना का है। और मेन बाजार वगैरह में चेकिंग ज्यादा जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। भैया सभी हैं उनका रिव्यू कर रहे हैं और रजिस्ट्रार साहब इनके लिए आप अगले हफ्ते मांग लीजिए ऐसे 3 दिन के अंदर मंगलवार को कि इनके खाने में कितने आत्महत्या हो जाती है, कई बार हत्या हो जाती है। हमारी बहन को छेड़ा था इसलिए, अब उसमें बहन को छेड़ा था ठीक है, और उन केसेस में वादी से बात करके एक प्रोफार्मा दे दीजिए, वादी से बात करके ये बताएंगे कि वादी संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है, क्योंकि वादी अगर संतुष्ट नहीं होगा प्रतिवादी कुछ ना कुछ हरकत करेगा और बड़े गंभीर अपराध की तरफ जाएगा। वादी क्यों नहीं संतुष्ट होगा, क्योंकि पहले जेल भी लोग जा रहे थे, बंद भी हो रहे थे, भूख भी हो रहे थे, कोरोना पीरियड के चलते वो अभी 7 साल से कम वाली सजा में नहीं भेज पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है मासिक समीक्षा मीटिंग्स चालू हो गई हैं, जिसमें आज
एंटी रोमियो प्रभारी की मीटिंग्स थी, सभी थानों के एंटी रोमियो प्रभारी बुलाए गए थे और उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है किसी प्रकार से भी ये छेड़छाड़ के वारदातें ना होने पाएँ। हालांकि स्कूल बंद हैं लेकिन फिर भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं और बेफालतू घूम रहे हैं, और एंटी रोमियो को ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं और अनावश्यक घूम रहे बाहर लोगों का चालान करें। मैं चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि कोरोना का प्रकोप गोरखपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मुंह पर मास्क लगा करके चलें और जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। और एंटी रोमियो स्क्वाड इस दिशा में लगातार काम करेगा और ना ही छेड़छाड़ होने देगा, साथ ही साथ उनको अतिरिक्त दायित्व भी दिया है कि वो लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करें।